टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे होता है। तो ऐसी ही रोचक जानकारी को जानने के लिए एक बार फिर से सब्जेक्ट सुप्रेमसी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसका यह मतलब कि क्या वे टाइम ट्रैवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति स्पेस से लौटा लेकिन अंतरिक्ष के उक्त एक वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो चार युग बीत गए होंगे क्योंकि बुध ग्रह का एक वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझें। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और कांस्टेंट अर्थात सभी के लिए समान है, यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब।